आदि पुरुष का सेकंड सैटरडे है, आज डे नंबर 9 है और राहत की सांस जो है वो मिल रही है प्रभास के फैंस को, क्योंकि आज के दिन जो है जो कलेक्शंस आ रही हैं, जो ऑक्यूपेंसी आ रही है वो पहले से बेहतर है, बट येट इट इज अ कंप्लीट रिजेक्शन फ्रॉम द ऑडियंस। तो क्या ऑडियंस ऑक्यूपेंसी आई है डे नंबर 9 पे? डे नंबर 8 की फाइनल रिपोर्ट कितनी रही है? वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है कहां तक पहुंची आदि पुरुष की? और साथ साथ में बात करने वाले हैं आज डे 9 के अर्ली एस्टिमेट की, कहां पहुंच रही है आदि पुरुष की गाड़ी, क्या 300 करोड़ तक पहुंच चुकी है इंडिया नेट में या पहुंचने वाली है या फिर सिमटने वाली है इस वीकेंड के बाद, सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले बात होगी आज की थोड़ी सी राहत की सांस की, कि मतलब अगर ये फिल्म वेंटिलेटर पर चल रही है तो इस वेंटिलेटर पर ही कह सकते हैं ये वीकेंड जो है इसी पर स्ट्रेच करने वाली है। आज के दिन की जो ऑक्यूपेंसीज आ रही हैं वो वीकडेज से बेटर है, मगर फिर भी ओवरऑल कलेक्शन जो है वो कम आ रही है, बिकॉज शो काउंट्स नहीं है, शोज ही नहीं है फिल्म के पास, तो ऑक्यूपेंसी क्या करेगी। जैसे मैंने कहा कि पिछले हफ्ते जिस तरीके से कंप्लीट रिजेक्शन मिला ऑडियंस के चलते, वैसे ही एग्जिबिटर्स ने स्लैश डाउन कर दिया शो काउंट्स को, तो प्रभास के फैंस इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं, हम लोग इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि हाँ आज के दिन ऑक्यूपेंसी बेटर दिखाई दे रही है, लेकिन शो काउंट्स नहीं है, बेसिक चीज तो यही है, जिसकी वजह से जो कलेक्शन अर्ली एस्टिमेट आ रहा है वो अभी भी बेहद शॉकिंग है, थोड़ा पहले से सुधरा हुआ जरूर है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले डे नंबर 8 की। डे नंबर 8 का फाइनल नंबर क्या रहा? 8 डेज का आदि पुरुष का इंडिया नेट कलेक्शन was 263.3 crores, India gross collection was 310 crores, overseas collection रही 52 crores और worldwide collection of आदि पुरुष for 8 days is 362.5 crores। देखिए आप कि अभी जो real collection है अभी ये worldwide में भी 362 के आंकड़े के आसपास पहुंची, अभी 375 तो बहुत ही दूर नजर आ रहा है, और वहीं makers ने कहा 425 करोड़ ये करोड़ वो करोड़ की बातें जो है ऑलरेडी सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी हैं, लेकिन असली सही कलेक्शन ये है। तो इसके बाद आज डे नंबर 9 पर क्या सूरत हाल चल रहा है, पहले बात करेंगे हिंदी 3D की ऑक्यूपेंसी की। तो हिंदी 3D में मॉर्निंग 8%, आफ्टरनून सुधार आया 14% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग 15% और नाइट की मेरी प्रिडिक्शन है कहीं ना कहीं हो सकता है 20% तक ये जो ऑक्यूपेंसी है पहुंच जाए, क्योंकि कल है संडे, तो जैसे मैंने कहा वेंटिलेटर पर चल रही है वही स्ट्रेच जो है चलेगा आज के दिन और कल के दिन। तेलुगु 3D में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी वॉज 14%, आफ्टरनून 28%, इवनिंग 30% एंड नाइट की मेरी प्रिडिक्शन है 35% तक ऑक्यूपेंसी जा सकती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो जरा हम एक बार शो काउंट्स पर भी नजर डालते हैं और डालते हैं महानगरों में क्या हाल है। तो मुंबई में अभी मैं हिंदी 3D वर्जन की बात करूं, मुंबई में 12% ऑक्यूपेंसी, 344 शोज ओनली, कहां बात कर रहे थे हम लोग 700, 750, पौने 800 शोज हो रहे थे डे नंबर 4 के आसपास की बात कर रही हूं, ठीक है, और आज है डे नंबर 9, सिर्फ 5 दिन के डिफरेंस में इतना बड़ा शो काउंट्स में इतनी बड़ी गिरावट। मुंबई 12% ऑक्यूपेंसी, 344 शोज, दिल्ली एनसीआर 11% ऑक्यूपेंसी, 487 शोज, पुणे 17% ऑक्यूपेंसी, 129 शोज, कोलकाता 10% ऑक्यूपेंसी, 142 शोज, अहमदाबाद 7% ऑक्यूपेंसी, 91 शोज, लखनऊ 8% ऑक्यूपेंसी, 111 शोज, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ तेलुगु 3D वर्जन तो जरा वहां का सुनिए, हैदराबाद 22% ऑक्यूपेंसी, 291 शोज, बैंगलोर 17% ऑक्यूपेंसी, 151 शोज, चेन्नई 35% ऑक्यूपेंसी, 14 शोज, विजयवाड़ा 14% ऑक्यूपेंसी, 62 शोज, वारंगल 26% ऑक्यूपेंसी, 23 शोज, गुंटूर 32% ऑक्यूपेंसी, 8 शोज, बहुत ही कम, वाइजैग 28% ऑक्यूपेंसी, 78 शोज, काकीनाडा 12% ऑक्यूपेंसी, 12 शोज। देखिए जरा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर केवल और केवल 8 शोज हैं प्रभास की फिल्म के, और ये वो ज़िले हैं, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर प्रभास का फैंडम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये भी मानना होगा ये छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शो काउंट्स नहीं होते हैं, जो बड़े शहर हैं वहाँ से ऑलरेडी हाथ धो बैठे हैं शो काउंट्स के मामले में, आदि पुरुष हाथ धो बैठी है। अब जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रभास के फैंस जो हैं वो इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं, या वो लोग देखने जा रहे हैं जो फिल्म के डायलॉग्स रीवैम्प होने के बाद अब देखना चाहते हैं कि फिल्म जो है ये अब कैसी लग रही है। बट इसके साथ साथ अब मैं अगर डे नंबर 9 की आपसे प्रिडिक्शन की बात करती हूँ कि कितना कलेक्शन आने वाला है आज के दिन, तो डे नंबर 9 की जो अर्ली एस्टिमेट प्रिडिक्शन है दैट इज 5 crores। जी हाँ, 5 crore की प्रिडिक्शन है, जो मैंने आपसे सुबह कहा था 4, 4.5 करोड़, 5 crore मुझे अभी भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन यही अर्ली एस्टिमेट आ रहा है 5 crore का, और अगर आ जाता है तो इंडिया नेट कलेक्शन 268 करोड़ तक पहुंच जाने वाली है। ये है असली सच्चाई आदि पुरुष की। तो देखते हैं अब क्या होता है। संडे सैटरडे रात की ऑक्यूपेंसी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो हमारे लिए कल की रूपरेखा तैयार करेगा, संडे की रूपरेखा तैयार करेगा, और संडे को देख के पता चल जाएगा कि आखिर फिल्म कितना लाइफ टाइम, कब तक जो है सिमट जाएगी, लाइफ टाइम करने वाली। ये मैं सिमटना खुद अपने मुंह से इसलिए बोल रही हूँ, कुछ कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसा मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा
आप शायद अभी तक जानते नहीं हैं, लेकिन मैं प्रभास की मैं भी उतनी बड़ी फ़ैन हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस फिल्म के साथ ऐसा हो। आपको, आपने पिछले वीडियोस भी देखे होंगे कि मैं कितना ज़्यादा इससे उम्मीद लगा के बैठी थी, एडवांस बुकिंग थे, लेकिन जो सच है सो है और ये फिल्म अब अपने लाइफ टाइम की तरफ आती हुई दिख रही है, बहुत दूर नहीं है इसका लाइफ टाइम। सो लेट्स वेट एंड वॉच रात को क्या होता है, रात की ऑक्यूपेंसीज कहाँ जाती हैं, ताकि हमको पता चले कि कल क्या होने वाला है। तो कल की वीडियो में कल की एडवांस बुकिंग डे नंबर 10 की और साथ साथ में डे नंबर 9 का फाइनल नंबर आपसे शेयर होगा, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टार फैंक्शन।